नमस्कार दोस्तों, न्यू एग्जाम में आपका स्वागत है। हम जल्दी जल्दी राजस्थान जीके के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि वेरी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? आप इनका जवाब देने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी, मैं इनके उत्तर भी आपको बताता चला जाऊँगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं। अगला प्रश्न है, ऊँटों के देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पब्बू जी। अगला क्वेश्चन है, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरकल्ला जी। वीरकल्ला जी चार हाथ वाले देवता के रूप में विख्यात है। अगला क्वेश्चन है, भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो इसका राइट आंसर आप दीजिए, इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। अगले वीडियो के अंदर मैं इसका उत्तर बता दूंगा। अगर आपको इसका आंसर बताया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दें। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालीनाथ। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। अगला क्वेश्चन है, चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा करणी माता। करणी माता की कुल देवी है, करणी माता चारण जाति की कुल देवी, ये ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है, चूहों की देवी है, तो चूहों की देवी कौन सी आपको बताना है? इसका सही उत्तर होगा करणी माता। अगला क्वेश्चन है, किस लोक देवी का वाहन गधा व पुजारी कुमार है? तो इसका सही उत्तर होगा शीतला माता। शीतला माता का वाहन गधा और पुजारी कुमार है। अगला प्रश्न है, वीरकला जी के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैरवनाथ। वीरकला जी के गुरु थे। तो दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट करें। इसी तरह अगर आपको चाहिए कि इसी तरह आपको क्वेश्चन मिलते रहे, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो अगले वीडियो के अंदर इससे भी बेहतर तरीके से, इससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।